Hey guys, welcome back to my channel Urvashi. So guys, in this video मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मॉनसून हेयर केयर टिप्स. आपको किस तरह से अपने हेयर को मैनेजेबल बनाना है और किस तरह से आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट होगी, तो उसके लिए आपको एक हेल्दी हेयर केयर टिप्स फॉलो करनी पड़ेगी. तो आपको किस तरह से ऑयलिंग करनी है, किस तरह से एक अच्छी हेयर केयर करनी है, सो वो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी. और मैं आज आपको बताऊंगी दिस मामा अर्थ ऑनियन हेयर मास्क का रिव्यू. सो यू कैन सी, सो ये वर्थ बाइंग है या नहीं है, एक छोटा सा डेमो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या पसंद है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैं अपने हेयर को यहाँ पे डिटेंगल करूँगी. सो इस तरह से मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ हेयर को, और यहाँ पे मैं कॉम की हेल्प से डिटेंगल कर रही हूँ हेयर को. सो इस तरह से मैंने कर लिया है इसे. देन मैं यहाँ पे यूज़ करूँ पैराशूट एडवांस ऑयल, इसमें एलोवेरा की भी गुडनेस है. तो इस तरह से मैंने अपने पाम में लिया है और थोड़ा सा हैंड को हीट देते हुए अपने हेयर्स पे अप्लाई कर रही हूँ. सो इस तरह से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ. तो जो ऑयल आप लगाओगे, कोई भी ऑयल आप ले सकते हो, ऑयल से क्या होगा ना, हमारे हेयर्स को अच्छा प्रोटीन मिलेगा और इसकी क्या काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे हमारे हेयर्स. सो फर्दर स्टेप के लिए तो आपको ऑयलिंग हमेशा करनी चाहिए, वीक में दो बार तो आपको ऑयलिंग करनी चाहिए. सो इस तरह से मैंने अगेन लिया है, और रूट्स में आपको अच्छे से लगाने हैं, क्योंकि अगर आपकी हेयर ग्रोथ अगर आपको प्रमोट करवाना है तो आपको अच्छे से रूट्स में लगाते वे से मसाज करनी है. सो इस तरह से करना है, और मैं यहाँ पे इसे ओवरनाइट रखूँगी. सो मैंने एक बर्न बना लिया है. सो इस तरह से मैंने अपने हेयर को वॉश भी कर लिया है यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग. सो देन इसके बाद मैंने यहाँ पे शैम्पू लॉरियल का यूज़ करा है, और कंडीशनर भी सेम उसी का यूज़ करा है. सो मैं यहाँ पे मामा अर्थ का आपको ये बता रही हूँ ऑनियन हेयर मास्क का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी. सो इस तरह से मैंने अपने हेयर को यहाँ पे अच्छे से वॉश कर लिया है. अब मैं इस मास्क को अप्लाई करूँगी. सो यू कैन सी इस तरह से आता है, और ये 200 ग्राम्स की इसकी पूरा जार आता है, और काफ़ी थिक आता है, मतलब एक ऐसा मूज फॉर्म में आता है. ये आपके हेयर को अच्छे से लाइक नरिशमेंट जो होती है सब प्रोवाइड कर देता है. इस तरह से आपको एक स्टैंड लेनी है, और इस तरह से इसे अप्लाई करना है. आपको रूट से लेके पूरा टिप तक पूरा अप्लाई करना है इसे. सो इस तरह से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छे से अप्लाई करना है आपको इसे. सो आपको वेट हेयर में लगाना है ताकि इसकी क्वांटिटी भी कम लगेगी. अगर आप ड्राई हेयर में लगा लोगे तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लगेगी. तो इस तरह से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, और बिल्कुल नीचे रूट्स में ऊपर आपको अच्छे से अप्लाई करना है. सो आपको स्कैल्प पे भी इसे अच्छे से अप्लाई करना है, टिप तक पूरा अच्छे से अप्लाई करना है. सो दोनों साइड में सेम प्रोसेस कर रही हूँ. सो ये काफ़ी अच्छा आपके हेयर को अच्छे से नरिश कर देगा. हेयर की जो प्रोटीन जो हमारा चला जाता है, कलर हेयर हो जाते, डैमेज हेयर हो जाते, कलर जो हमारे कल हेयर्स होते हैं उसे भी ये काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है. सो इस तरह से, और ये सूटेबल है. सो मैन वुमेन दोनों इसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी एज ग्रुप का इसे अप्लाई कर सकते हैं, बस बच्चों को छोड़ के. सो सभी इसे अप्लाई कर सकते हैं. सो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर दिया है. एटलीस्ट आप इसे हाफ एन आवर तक रखो. वैसे आपको 15-10 मिनट्स तक रखना है, बट मैंने इसे हाफ एन आवर रखा है, और एक बर्न बना लिया. और अच्छे रिजल्ट के लिए आप स्टीम भी दे सकते हो. सो मैंने अच्छे से यहाँ पे हेयर वॉश कर लिया अगेन. सो इस तरह से मैंने इसे कर लिया है. सो यू कैन सी जो हेयर है अच्छे से, आपको थोड़ा सा टाइम देना है. देन उसके बाद आप कोई भी सीरम अप्लाई कर सकते हो. सो मैं यहाँ पर लेबोन का सीरम अप्लाई कर रही हूँ, और इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया है इसे. आपको रूट्स पे नहीं लगाना है इसे, आपको जस्ट अपने हेयर्स पे लगाना है. सो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया. सो इस तरह से अप्लाई कर लिया. सो यू कैन सी सो जो हेयर्स है वो अपने आप ही ऐसे लग रहे हैं कि मैंने उसे डिटेंगल करा है. तो कभी भी आपको वेट हेयर को ऊपर से एकदम नहीं वो डिटेंगल करना चाहिए, आपको हमेशा नीचे से डिटेंगल करना चाहिए. आपको नीचे से थोड़ी थोड़ी से स्टैंड लेके इस तरह से आपको डिटेंगल करना चाहिए, और एकदम बिल्कुल ड्राई हेयर को नहीं करना चाहिए. थोड़े से जो वेट हो जाते हैं वो उस तरह से आपको कर लेना चाहिए. सो यू कैन सी इससे आपके हेयर भी हेयर फॉल भी नहीं होगा आपको. सो यू कैन सी कितना प्यारा रिजल्ट है, मतलब मेरे जो हेयर थे बहुत ज़्यादा अच्छे से स्मूथ हो गए थे, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे. तो आप खुद ही देख सकते हो पहले जो हेयर थे और अब जो हेयर है. सो काफ़ी अच्छा वाला ये है, और ये इंडियन ब्रांड है. प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा रिसाइकिल करते हैं, तो ये बेस्ट पॉइंट है हमारा. सो इस तरह से आप देख सकते हो. सो काफ़ी अच्छा मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छा था. सो आई जस्ट होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. अगर आप इस मास्क को बाय करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लिंक के थ्रू जाके इसे ले सकते हो. एंड गाइस, अगर आप इस तरह से हेयर केयर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. आपका अगर स्कैल्प हेल्दी रहेगा तो आपका हेयर केयर बहुत ज्यादा प्रमोट होगा, आपका जो हेयर है काफी ज्यादा मैनेजेबल होगा. सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. सो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. So bye, see you soon.